नमस्कार दोस्तों, मैं निखिल बिरमल पुणे से परिक्रमा फ्लूट एकेडमी चलाता हूँ। आज हम रिव्यू करेंगे राधिका फ्लूट के ई बेस फ्लूट का। ये एक्चुअली दूसरी फ्लूट है जो मैंने उनसे मंगवाई थी। बेसिकली जब मैं फ्लूट्स मंगवाता हूँ तो फ्राई फ्लूट्स मंगवाता हूँ, क्योंकि इसकी टोनल क्वालिटी मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। रिव्यू के बारे में बात करें तो उन्होंने मुझे कस्टमाइज थ्रेडिंग करके दिया है, ये मैंने उनसे मांग के लिया था और ये बहुत ही अच्छा है। मतलब ये फ्लूट लेकर मुझे 6-7 महीने हुए, उसका रिव्यू अभी कर रहा हूँ मैं। तो बहुत ही अच्छा टोनल क्वालिटी है, उसके थ्रेड्स कहीं पे भी निकले हुए नहीं है और यहाँ पे वुडन कॉर्क लगा है उन्होंने, जो बहुत अपना काम अच्छे से कर रहा है। टेस्ट करते हैं, टोनल क्वालिटी टेस्ट करते हैं। सरगम तो बेहद ही खूबसूरत बज रही है। थोड़ा सा क्लासिकल ट्राई कर देते हैं। ये राग भूपेश्वरी है। आपको पता चला या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता नहीं, जब मैं ये फ्लूट लेता हूँ बजाता हूँ ऐसा लगता है कि मैं रुकूँ ही ना। मन को एक अलग से सुकून मिलता है। मे बी दो चीज़ें हैं उसके लिए। एक तो बिल्ड क्वालिटी जो है फ्लूट का मुझे बेहद पसंद आया, स्पेशली जो साइज़ रखा है उन्होंने। मैंने बहुत सारे ब्रांडेड फ्लूट्स के बाकी के नाप लिए, उनमें डायमीटर कम करने के लिए वो यहाँ का होल का डायमीटर बढ़ाते हैं। तो पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है कि फिर होल्ड नहीं आ पाता फ्लूट पे। पर यहाँ पे डायमीटर इतना प्रॉपर है, तो अच्छे से होल्ड आ रहा है और बजाते वक्त एक अलग सा सुकून मिलता है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत कम फ्लूट मेकर्स ऐसे हैं जिनकी फ्लूट्स जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक का श्रुति है उस पर ट्यून होती है। मुझे लगता है कि ये उसमें से एक है। जो
जब भी आप भैरव या फिर तोड़ी थाट के राग बजाते हो तब ये ज़्यादा महसूस होता है कि वो श्रुति यहाँ पे आ रही है। तो मैं तो कहूँगा कि ये बेस्ट फ्लूट है, मैं रिकमेंड करूँगा नॉट ओनली फॉर बिगिनर्स। अगर कॉन्सर्ट में भी आप अगर परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हो या फिर ट्राई कर रहे हो, उस लेवल पे भी अगर आप बजा सकते हो तो आई वुड सजेस्ट ये बेस्ट फ्लूट है, आप उसे परचेस कर सकते हैं। शुक्रिया।